गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में विद्युत धारा के दो प्रभाव के बारे में समझा था। उनमें से एक ऊष्मीय प्रभाव था, जिनको जूल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और दूसरा था आरएसटेप का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना दोस्तों? तो हम लोगों ने विद्युत धारा के दो प्रभाव को समझ लिया था। आज हम विद्युत धारा के तीसरे प्रभाव के बारे में समझेंगे, जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में समझेंगे। इस प्रभाव को फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था इस प्रभाव को। तो माइकल फैराडे ने यह बताया कि किसी भी बिलियन पे जब हम धारा का प्रवाह करते हैं, वह बिलियन कोई भी हो सकता है, या कि वह क्षार हो सकता है या कि अम्ल हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि जब किसी भी बिलियन पे हम धारा का प्रवाह करते हैं, तो उस बिलियन पे बिलियन के रूप में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम यहाँ एग्जांपल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बाउल है, जार है, उसमें हमने पानी लिया, और पानी का फार्मूला H2 होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। और दो इलेक्ट्रोड्स लिए, इनको पावर सप्लाई दे दिया हमने। जब हम पावर सप्लाई दे देते हैं, तो देखते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो पानी है, वह अपने आयन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, विभक्त हो गया। ठीक है दोस्तों? तो यहां देखिए, जो धन आयन के रूप में हमें मिला, वह ऑक्सीजन मिला, और ऋण आयन के रूप में जो मिला, वह हाइड्रोजन मिला। इसी तरह से बच्चों, आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। उन एक्सपेरिमेंटों में से एक एक्सपेरिमेंट है कि यदि किसी भी आलू के आप टुकड़ा लो, ठीक है ना, आलू लो, और आलू को आप दो टुकड़ों में विभक्त कर लो, और फिर जो कटा हुआ भाग होता है उस पे आप जो है कॉपर की वायर को अंदर प्रेस कर दो, ठीक है ना, और विद्युत की सप्लाई यदि आप देते हैं, तो कुछ समय बाद आप यह पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, और कुछ समय बाद आप यह पाएंगे, ये डीसी सप्लाई हमने दे दिया। कुछ समय बाद हम यह पाते हैं कि जो आलू का एक सिरा है, वह क्या हो गया, ग्रीन ब्लू रंग का हो गया। ठीक है ना? तो हम यहां पर आलू का और एक बाउल में पानी का एग्जाम्पल देके हम आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में समझाया। तो अन्य प्रभावों की तरह यह प्रभाव भी जो है तो विद्युत धारा का है। अब हम अगले वीडियो में विद्युत धारा के अगले प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।